हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट की, जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स का है, जिसके अंदर 35 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर मेन चार टॉपिक्स हैं, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक है एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश, सेकेंड कम्युनिकेशन, थर्ड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, फोर्थ कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। एसेंशियल्स ऑफ गुड टेक्नोलॉजी, गुड इंग्लिश, इसमें क्या है, सारा अपना इंग्लिश का सिलेबस होगा। एक तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे वो दो पार्ट? पहला एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश और दूसरा पार्ट ये तीनों टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि इस ये जो है एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। इन तीनों को मिला के इसकी वेटेज है। 50 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 35 क्वेश्चंस होंगे। तो इन 35 क्वेश्चंस में से लगभग 17 या 15 आएंगे गुड इंग्लिश में से, और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो इन तीन टॉपिक्स में से बनकर आएंगे। तो इसलिए इसकी वेटेज काफी ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा इजी भी है। इंग्लिश हम सब ने स्कूल तक पढ़ी है, लेकिन स्कूल में इतना सीरियसली कोई नहीं पढ़ता। टॉपिक्स सारे वही होंगे इसमें, और सबसे बेसिक यही होगा। इंग्लिश कोई हाई लेवल की नहीं आने वाली, बेसिक क्वेश्चंस होंगे। मैंने देखा है पेपर, 17 और 15 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से आप 13 अबव आराम से स्कोर कर सकते हो। कोई आपको 1.5 मिनट लगेगा स्कोर करने में, 13 अबव क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे। दूसरी बात, इस पूरे पेपर फर्स्ट में जो इन तीन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बनेंगे वो सब होंगे 1 मार्क के। और गुड इंग्लिश, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी होंगे 2 मार्क्स ईच। तो इसलिए ये जो टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस का है। इसलिए अब हम गुड इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं कि इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स हैं और आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले, क्योंकि आने वाली वीडियोज में हम गुड इंग्लिश को ही, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश को ही डिस्कस करेंगे। Essentials of Good English, इसमें पहला सब टॉपिक है English grammar and its usage। इसके अंदर ये सब आते हैं, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection, voice, articles, tenses, prefix and suffix and punctuation। ये सब तो हो गया हमारा parts of speech, जो हमने 10th class तक बहुत बार पढ़ा है, हर class में पढ़ा है। टीचर हर हमेशा आता था और ये सब पढ़ाया उसने। फर्स्ट क्लास इंग्लिश की यही होती है। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन हमारे वाले टाइम्स में पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत ही सिंपल हैं। कुछ एक दो बेसिक रूल्स होंगे जिसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें हम क्लासेस की तरह कोई डेफिनेशंस या और कुछ नहीं याद करने वाले, सीधा हम कंसेप्ट पर जाएंगे। जो भी ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं हम वो देखेंगे। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, ए एंड द, टेंसेस। टेंसेस का हमेशा से हुआ बना रहा है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन काफी आसान है, और क्वेश्चंस जब एमसीक्यू जाएंगे तब आपके लिए करना बहुत ज्यादा सिंपल होगा। पंक्चुएशन हम सभी को आता है, लेकिन कुछ एक दो रूल्स होंगे, जिस अगर कॉमा है, फुल स्टॉप है, इनके कुछ स्पेसिफाइड जगह होगी जहां पे ये इनको यूज करना है, वो भी हम सीख लेंगे आने वाले टाइम में। इंग्लिश मैं आपको बता दूं, पेपर वन में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है, सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी की है, और सबसे ज्यादा इजी भी यही है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी यही है। आने वाले टाइम में सबसे फेवरेट आपका सब्जेक्ट यही होगा। फ्री टाइम में हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे माइंड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपना, इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। सेकेंड सब टॉपिक क्या है? एनरिचिंग वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के अंदर क्या है हमारा? चॉइस ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। वोकैबुलरी में देखा जाए तो वोकैबुलरी बहुत ज्यादा वाइड है, चाहे भी तो भी कवर नहीं कर सकते आप, पूरी डिक्शनरी याद नहीं कर सकते। लेकिन हमें पूरी डिक्शनरी याद करनी भी नहीं है, हमें क्या करना है, कुछ सिलेक्टेड ही वर्ड्स होते हैं जो बार बार हर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो आएंगे ही आएंगे, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, चॉइस ऑफ वर्ड, ये आप तभी कर पाओगे जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, जब आपको वर्ड का मतलब पता होगा। अगर किसी का सिनोनिम पूछा है तो आप, जब तक उस वर्ड का मतलब नहीं पता तब तक आप कितनी भी माथाफोड़ी कर लो, आप नहीं बता सकते कि क्या है ये, इसके क्या आंसर होंगे। और कुछ मैं आपको ट्रिक्स वगैरह भी याद
बताऊंगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, वोकैबुलरी के वर्ड्स, कॉमन एरर्स। ये आपका ग्रामर का ही टॉपिक है। इसमें क्या होगा कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें कोई मिस्टेक आपको ढूंढनी होगी। कोई पूरा एक सेंटेंस होगा जो चार या पांच पार्ट्स में डिवाइड होगा और हमें उन चार पांच पार्ट्स में से कोई सिलेक्ट करना है, ऐसा पार्ट जिसके अंदर मिस्टेक है। सेकेंड है वर्ड विद मल्टीपल मीनिंग, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड फ्रिक्वेंटली मिसस्पेल्ड। ये सभी टॉपिक्स हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं, जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जितने भी पेपर मॉक अभी तक आए हैं, जितने भी मॉक मैंने देखे उन सभी में कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा। उनमें से एक कॉमन एरर हो गया, वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इस पर एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। कि जैसे कि कितने फियर्स होते हैं, किसी को हाइट का फियर होता है, किसी को किसी चीज का फियर होता है, तो उन सब फियर्स के कुछ ना कुछ नाम है स्पेसिफिक, वो इसके अंडर आएंगे। वर्ड्स फ्रिक्वेंटली मिस स्पेल्ड, चार ऑप्शन दिए होंगे और किसी एक वर्ड का, जैसे एब्सेंस है, उसकी चार आपको स्पेलिंग्स दे देंगे और आपको उनमें से बताने की सही कौन सी है। ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है, अगर आपको स्पेलिंग्स आती है तो भी ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आप कन्फ्यूज हो जाते हो, लेकिन इसका भी हम कोई तोड़ निकालेंगे और आपको जरूर बताएंगे। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है, कोई दो वर्ड जिनकी साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल अलग है, सब करेंगे हम। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की आप कोई भी बुक या कहीं से भी उठाओगे तो आपको कोई 50-70 ईडियम्स मिलेंगे, उन सबको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका कुछ हम मतलब ही नहीं निकाल पाते, क्योंकि इंग्लिश के हैं, इंग्लिश में हमने बहुत सुने, जैसे भैंस के आगे बीन वजना वगैरह वगैरह हम बचपन से सुनते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में बैठे हुए उनके मीनिंग्स, लेकिन ये जो इंग्लिश में ईडियम्स होते हैं ये नहीं हम कर पाते आसानी से, लेकिन इसको हम सबसे पहले शायद इसी को करेंगे और काफी अच्छे से करेंगे। प्रोवर्ब यही हो गया, कहावतें, एब्रीवेशन से खास क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन आ जाते हैं। पैरा जंबल्स, पूरा आपको आपने आपको शायद याद होगा 9th या 10th में क्वेश्चन आता था कि एक सेंटेंस दिया होता था और वो जंबल्ड होता था और उसको हमें अनजंबल करके उसको मीनिंगफुल बनाना होता था, लेकिन अब ये पैरा जंबल्स कहते हैं कि पूरा पैराग्राफ होता है, एक सेंटेंस, दो सेकेंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, वो जंबल्ड होते हैं, उन सबको हमें अनजंबल करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस अरेंजमेंट और कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज। फॉरेन वर्ड्स की भी आपको काफी ट्रिक्स बता दी जाएंगी जिसकी मदद से फॉरेन वर्ड करना काफी आसान हो जाएगा। और उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज हम हमेशा से करते आएंगे, एक पैसेज होगा उसमें क्वेश्चन होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि कई बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश हमेशा से वीक रही है और 17 क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो उन्हें डर होता है कि हमारे 17 में से हम स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको इस बात की एश्योरिटी देता हूं कि अगर आप हमारे बताए तरीके से वर्क करते हो तो 17 में से 15 प्लस क्वेश्चंस आपके आराम से सही होंगे, आराम से आप 1.5 मिनट में कर दोगे सारा पेपर, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही ईजी होता है अगर इंग्लिश के एस्पेक्ट से देखें तो। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है बहुत ही बेसिक लेवल की पूछी जाती है जो कोई भी कर सकता है।